पिझ्झा खायला ये K9 डेक्स्टर. पिझ्झा खात के मुझे कम से कम 3 साल हो गए होंगे. तीन भी नहीं रे. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. 17 में तो मैं पुणे में था, 16 में मैं इधर था खाने में, वो पूरा तो 4 साल हो गए पिज्जा खाके. क्योंकि एक बार मंगाया था डोमिनोज से, ₹900 के पिज्जे पिज्जा मंगाया था, उनसे 4-5 थे शायद. और मम्मी बोली ₹900 में मैं ना 5-6 लोगों को खाना खिला सकती हूँ. मैं बोला ठीक है पापा, ये शाइनिंग के लिए रहता है, एक पेट भरने के लिए नहीं रहते, और टेस्ट थोड़ी अलग रहती, इसलिए मंगाया था. झूठ बोल रहा. तो बोला ठीक है नहीं मंगाते, तब से मंगाया ही नहीं कभी. फिर वो चाइनीज वीनीज पे लेके आता हूँ ना, मेरी मम्मी एकदम डेंजर है. अरे क्या है पता है क्या, कुछ भी बाहर से मंगाओ तुम अच्छा वाला, मतलब चाइनीज भी चाइनीज भी मैं मंगाता हूँ ना जब भी कभी भी, खा तो लेती है वन साइड. हाँ फुल एकदम सूप पियो, राइस खाओ, नूडल्स खाओ, वन साइड खा लेती. फिर खाने के बाद बोलती कितना हुआ, अच्छा ₹500. ₹500 में मैं तो वन साइड बना देती. करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या. अच्छा नहीं लगा, अरे फिर खाया क्यों. फिर मैं डायरेक्ट अगली बार वो चीज मंगाता ही नहीं, लाइफ टाइम के लिए बंद ही रह रही. मैं ना चुपचाप मंगा तो चुपचाप खा लेता हूँ मेरे रूम में, पर देता ही नहीं फिर मैं. ऐसा मेरा सिस्टम है. खाने के बाद भी इतना अच्छा नहीं लगा, बोल अगली बार मत मंगाओ ये, इतना नहीं अच्छा लगा. और तो मेरे से ज्यादा तो तुमने ही खाया, अच्छा नहीं लगा बोल के. अगर अच्छा लग जाता तो साला मेरा भी खा लेती, मेरे चीज़े का भी खा लेती. फिर अच्छा नहीं लगा फिर भी इतना खा लिया, मैं ऐसा ही बोलता, अच्छा नहीं लगा फिर भी इतना खाया, अच्छा लगता तो क्या होता, समझ रहे हो. ना कोई होता ही है. हाँ मतलब मम्मी का वो खाने के मामले में, बाहर से कुछ भी खाना खुला इतना अच्छा नहीं लगा, खा तो लेती है. और पापा का कैसा है पता है, कुछ भी. मैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक है, मैं कुछ ना कुछ लेता हूँ, मोबाइल लो ये लो वो लो कुछ भी, सब जो कुछ भी लिए लेते हैं ना. लाने का कितने का है, 40,000. इतना अच्छा नहीं है रे, पर 40,000 वेस्ट कर दिया. हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ उनको, ये कपड़े क्यों पहने, ये एसी फ्रिज टीवी एलईडी ये सब चीजें ला, ये क्यों है, जाओ उधर आत्मयुगीन काल में हो, गुफा में रहो ना उससे अच्छा. गुफा में ही रहो, उधर जाओ जंगल में, उधर रहो, कुछ भी ले लो. इतना पैसा खर्चा किया, इतना तुमको पता है लाइट बिल कितना आता है इसका, एसी का. अरे हो तो फिर जाओ इधर टीवी ले आता, उसमें भी कितना, 40,000 का टीवी. वो अच्छा था ना अपना ओनिडा जूना वाला. और मतलब ये बातें रहती है क्या, और जूना वाला अच्छा था ना, ये अच्छा था ना, वो अच्छा था. और है ना बंदा खुद है ना रिमोट छोड़ता है 24 घंटा, मतलब आया मतलब चेयर लेके बैठा ना रिमोट के साथ ही, एक हाथ में खाने के लिए कुछ तो दूसरे हाथ में रिमोट, समझे, और वो टीवी. अरे पर वो तो उसको नाम रखा था ना, मतलब कि क्यों लिया, अभी तो रिमोट भी नहीं छोड़ रहा है. ये कौन सी तकनीक है रे, मेरे दोनों है ना मतलब मम्मी भी पापा भी कौन से तो जमाने से, अलग ही जमाने से आए. कहाँ से आते हैं, रिमोट किया था दूसरे ग्रह से. हर एक चीज का बोलता हूँ, मेरे को अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो वॉशिंग मशीन ली थी, तो वॉशिंग मशीन लेने के बाद भी कपड़े इतने अच्छे नहीं निकलते इसमें. ये देखो कॉलर का तो निकलता ही नहीं है, ये कॉलर का तो काला काला वैसे ही रहता है, उसको हाथ से ही धोना है. और सबसे ज्यादा कपड़े उनके उसमें धुले जाते हैं, ये टेक्निक है. और फिर एसी तो आपको बता दिया मैंने तुम लोग को, ठीक है उसका बिल ज्यादा आता है तो ठीक है. अभी तो इस महीने में उसका बिल ₹7,500 आया है, मतलब खर्चा वॉशिंग मशीन का हो गया, एसी का हो गया, टीवी का हो गया, फ्रिज लिया था मैंने फर्स्ट सैलरी में से 20,000 का उस टाइम पे, उसको भी 8-10 साल हो गए.
इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, 5-6 साल हो गए होंगे शायद से। सोचो कितने साल हो गए, शायद 6 साल हो गए होंगे, 6 या 7 साल हो गए होंगे। तो मस्त ले आता दोस्त, मैं और मेरा दोस्त गया था इधर थाना में ही ले आता। और फ्रिज लेने के बाद भी जैसे फ्रिज की डिलीवरी आई उसी टाइम पे, मतलब घर पे भी नहीं लिया, फ्रिज का पानी अच्छा नहीं रहता, फ्रिज का पानी अच्छा नहीं, और बंदा खुद रोज फ्रिज का पानी पीता है। अरे ये कौन सी हिपोक्रेसी है भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और एसी का तो अलग, एसी में नहीं सोने का, वो बोन से ना ब्रिटल हो जाते हैं और बंदा बिना एसी के सो नहीं पाता। अभी सबसे ज्यादा तकलीफ तो एसी बंद होने पे उनको हुई थी, बाकी किसी को नहीं हुई। यहाँ ऐसे नमूने हमारे घर वन साइड है, मैं किसी को भी रोस्ट कर सकता हूँ, खुद के फैमिली को भी। कुछ पूछा मैंने कुछ, साले मैंने कुछ पूछा।